नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब गांव में नहीं चलेगी प्रधान और सचिवों की मनमानी। बिहार में 37,000 से अधिक नए पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। मेरिट लिस्ट से नाम हटाए जाने पर भड़के एसटीईटी अभ्यर्थी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार में बनेगा पाथवे। चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहारवासियों के लिए फिर से पटरी पर लौट रही है 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, यात्रा में हो रही समस्या से बिहारवासियों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने हाल ही में आज से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन को एक बार फिर से हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर नरकटियागंज, पटना भभुआ रोड, गया और आरा के रास्ते दानापुर राजगीर धनबाद रांची, हावड़ा धनबाद रांची देवघर और गया धनबाद रूट पर विशेष यात्री ट्रेनों की सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। इसी बीच डेली पैसेंजर एसोसिएशन की तरफ से यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों से पटना बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना बरौनी वाया पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना झाझा, दानापुर मोकामा, सासाराम पटना और इस्लामपुर पटना मार्ग जल्द से जल्द मेमू ट्रेनों की सेवाएं बहाल करने की गुजारिश की गई है। बिहार में 37,000 से अधिक नए पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,440 पदों पर शिक्षकों की बहाली की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह बहाली राज्य में छठे चरण के तहत 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति से अलग है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अपग्रेड किए गए माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के जो नए पद सृजन किए गए हैं, उन पदों पर शिक्षकों की बहाली प्राथमिकता में होगी, ताकि विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पिछले दिनों ही कहा था कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। अब गांव में नहीं चलेगी प्रधान और सचिवों की मनमानी। ग्राम पंचायत में मिल रहे फंड की निगरानी तंत्र को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत ही अब गांव में विकास कार्यों की नियमित सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों को अब ऑनलाइन माध्यम से ऑडिट किया जाएगा, जो कि अब देश के 100% ग्राम पंचायतों में लागू होने वाला है। इतना ही नहीं, इस नए तंत्र के आ जाने से गांव के सभी काम निर्धारित ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत ही कराए जा सकेंगे। इसी के अनुरूप खर्च भी किया जा सकेगा, जिससे एक बात तो तय है कि इस नई योजना के आ जाने से निचले स्तर पर काम करने वाले ग्राम प्रधानों और सचिवों की मनमानी पर रोक लग जाएगी। मेरिट लिस्ट से नाम हटाए जाने पर भड़के एसटीईटी अभ्यर्थी। बीते दिन एसटीईटी अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया। यही कारण है कि इन छात्रों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस दौरान सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे एसटीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और सचिवालय के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। आक्रोशित एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बताया कि दोबारा रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद कम अंक वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया और जो क्वालिफाई थे उनका नाम मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के 3 विषयों का रिजल्ट निकालने के बाद उत्पन्न कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। इसके साथ ही 24 घंटे की मांग भी की है। बिहारवासियों को बारिश से अभी कोई राहत नहीं। बिहारवासियों को फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी मॉनसून की सक्रियता बनी रहने वाली है। इतना ही नहीं, इलाके में चक्रवाती सिस्टम भी बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 27 जून तक उत्तर बिहार के जिलों में अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल रह सकते हैं। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, हालांकि कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बिहार में इस साल 3 गुना ज्यादा बनेगा बाढ़ आश्रय गृह। बिहार में इस साल बाढ़ की बढ़ रही संभावनाओं को देखते हुए 3 गुना अधिक बाढ़ आश्रय गृह बनाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, इस बार बिहार में मॉनसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दिया है। इतना ही नहीं, अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक बारिश भी देखने को मिली है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार वैसे जिलों का ब्यौरा निकाल रहा है जहां पर बाढ़ की संभावनाएं काफी ज्यादा है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। वहीं हर दिन कहां कितने लोगों को आश्रय स्थल पर लाया गया, कितने की कोरोना जांच हुई, इसकी हर दिन की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भी ऑनलाइन भेजना होगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। कुमुदलाल गांगुली अपने मंच नाम अशोक कुमार से बेहतर जाने जाते हैं और दादा मोनी भी कहलाते हैं। अशोक कुमार एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त की और सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
था। उन्हें भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। ज्ञान मुखर्जी ने 1943 की फिल्म किस्मत का निर्देशन किया था, जिसमें अशोक कुमार को भारतीय सिनेमा में पहले नायक के रूप में दिखाया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई करने वाले पहली हिंदी फिल्म ये बन गई थी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार में बनेगा पाथवे। बिहार के हवा में बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिहार अब नई योजना के साथ कदम बढ़ाने के तहत पाथवे बनाने वाला है, जिसके तहत बिहार अब देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। इस बाबत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद ही अब तय हुआ है कि इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। बिहार पुलिस नहीं रख सकती अब पेंडिंग मामले। बिहार पुलिस अब मामलों को लटका कर नहीं रखने वाली है, क्योंकि अब बिहार में लंबित मामलों की निगरानी के लिए इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हैं, जो कि अब राज्य भर के थानों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटा सकेगा। इसको लेकर थाना स्तर से लेकर एसपी स्तर तक अनुसंधान पर नजर रखने की व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि छोटी से छोटी लापरवाही पकड़ी जा सके। इसके साथ ही यह थाना और जिला स्तर पर लंबित मामलों की मॉनिटरिंग करेगा और इसके सीनियर पदाधिकारी यह भी बताएंगे कि कम समय में कैसे जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पुलिसकर्मियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब बिहार में खत्म होगा भूमि विवाद। बिहार में भूमि विवाद के मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत शुरू होने वाले भूमि सर्वे के दौरान दी जाने वाली वंशावली अब ग्राम सभा के पास करवानी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो आपकी वंशावली की कोई मान्यता सर्वे काम के लिए नहीं रखी जा सकेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वे के दौरान जमीन मालिक की पहचान की जाती है। अभी पुराना सर्वे 100 साल पहले हुआ था। खतियान भी उसी समय का है। खतियाने में जमीन लोगों के पूर्वजों के नाम की है। उसके बाद कई बार बंटवारा होकर जमीन का स्वामित्व बदल गया है। नए स्वामित्व की पहचान के लिए वंशावली जरूरी है। ग्राम सभा में वंशावली ले जाने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई गलत वंशावली ना दे सके। भागलपुर में पहली बार हुआ काले अमरूद का उत्पादन। अमरूद की कई प्रजातियां आपने देखी होंगी, जो अमूमन ऊपर से हरे रंग की होती है, लेकिन अब अगर आपको काले रंग के अमरूद दिखे तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिहार में भागलपुर जिले में काले अमरूद का उत्पादन शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 2 साल पहले अमरूद का पौधा लगाया गया था, उसमें फलन अब शुरू हो गया है। एक एक पौधे में 4 से 5 किलो का फलन हुआ है। एक अमरूद औसतन 100-100 ग्राम के आसपास का है। BAU अब इस शोध में जुट गया है कि कैसे इस पौधे को आम किसान उपयोग में लाए। जानकारों की माने तो यह अमरूद बुढ़ापा रोकने में कारगर होगा। गंडक नदी बनेगी कंजर्वेशन रिजर्व। सरकार अब जल्दी गंडक नदी को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी कर रही है। जानकारों की माने तो इस नदी में भारी संख्या में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुए सहित कई प्रकार के जलीय जीव मौजूद है, जिनका संरक्षण किया जाना बेहद ही जरूरी है। इसी को लेकर बिहार सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गंडक नदी बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सारण होकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। अब इन जिलों में बड़े जलीय क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने की तैयारी चल रही है। अभी सर्वे का काम चल रहा है। बिहार में पानी के लिए चुकाने होंगे पैसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल कई जिलों में पूरा किया जा चुका है। वहीं जिन जगहों पर यह पूरा नहीं किया गया है, वहां पर भी इसे जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में अब जिन भी घरों में सरकारी योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, उनको पानी के लिए राशि का भुगतान करना पड़ेगा। योजना के तहत पानी की बर्बादी रोकने के लिए कैबिनेट से मेंटेनेंस पॉलिसी को स्वीकृति मिली है, जिसके बाद अब सभी लाभुकों को प्रति महीने में 30 रुपये देना होगा। पीएचईडी सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि बुधवार को विभाग से जिलों को निर्देश भेज दिया जाएगा और नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा। अगले महीने होगी जेईई की परीक्षा। कोरोना के कारण जेईई परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, हालांकि परीक्षा के आयोजन को लेकर तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। वहीं परीक्षा परिणाम को 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बार कुल मिलाकर 92,695 छात्र देश में 174 केंद्रों पर होने वाले परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परिणाम की घोषणा होने के बाद 3 चरणों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी की जाएगी, जो कि 15 सितंबर तक पूरा करने का प्लान है। अब सरसों तेल की कंपनियां नहीं कर पाएंगी मिलावट। अब सरसों के तेल में मिलावट का कारोबार बंद होने वाला है, क्योंकि अब आप खुद से सरसों के तेल में मिलावट हुई है या नहीं इस बात का आंकलन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको तेल कंपनी पर शक होता है तो आप इसकी शिकायत भी खाद्य सुरक्षा विभाग से कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी शिकायत पर कंपनी से लेकर दुकानदार तक फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर सभी कंपनियों को अब तेल से जुड़ी पूरी जानकारी पैक पर देनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। इसी क्रम में पटना में छापेमारी के दौरान
दुकानों पर ऐसे सरसों के तेल पाए गए जिसमें 70% सरसों के साथ 30% अन्य खाद्य तेल मिलाया गया था। ऐसे दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वो तेल की कंपनी को वापस करे। आज होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों का ऑपरेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में खूब सारी चर्चाएं चल रही थी। वहीं जारी अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। इसको लेकर वो दिल्ली एम्स में भर्ती होने वाले हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल अगले एक हफ्ते दिल्ली में ही रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नवनिर्मित बिहार सदन में ठहरे हुए, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की चर्चा भी तेज है। 2 महीने बाद बिहार पहुंचते ही तेजस्वी ने एक को दी सलाह तो दूसरे पर कसा तंज। 2 महीने बाद बिहार से बाहर गए तेजस्वी यादव की बिहार वापसी हो गई है। वहीं वापस लौटते ही तेजस्वी यादव अपना विपक्षी धर्म दिखाते देखे गए, जहां उन्होंने एयरपोर्ट से निकलते ही एक तरफ लोजपा को सलाह दी, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज भी कसा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिराग भाई को अब भविष्य की राजनीति के लिहाज से फैसला ले लेना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि यह चिराग पासवान को तय करना है कि आगे वो क्या करेंगे, लेकिन अभी भी वक्त है कि वो बंच ऑफ थॉट वाले लोगों का साथ छोड़ दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए नीतीश कुमार कितने जवाबदेह हैं यह सबको मालूम है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार इससे पल्ला झाड़ रहे हों। बिहार में कोविड 19 के मिले 300 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 298 मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2704 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बात करें अगर प्रभावित जिलों की, तो अररिया में 1, अरवल में 5, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 1, दरभंगा में 14, ईस्ट चंपारण में 11, गया में 3, गोपालगंज में 11, जमुई में 3, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 1, किशनगंज में 5, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 2, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 3, नवादा में 7, पटना में 71, पूर्णिया में 10, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 12, सारण में 17, शेखपुरा में 4, सिवान में 8, सुपौल में 4, वैशाली में 6, वेस्ट चंपारण में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,06,652 सैंपल की जांच की गई, वहीं 398 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। शिक्षक बहाली को लेकर अगले महीने होगी काउंसलिंग। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त से पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट की नौकरी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल के अनुसार 5 जुलाई को जिला मुख्यालय में नगर निकाय नियोजन इकाई, 7 जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में पंचायत नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका हुई खारिज। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में पकड़े गए राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बिहार में राजद कोटे से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन्हें उर्वरक घोटाले के लिए एक केस में गिरफ्तार किया गया था। तेजस्वी यादव का भाजपा ने किया स्वागत। 2 महीने बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव का भाजपा ने स्वागत किया है, जिसके तहत बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को टूरिस्ट बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महामारी का असर कम हो गया है, यह सबसे बेहतर समय है टूरिज्म को लेकर, इसीलिए तेजस्वी बिहार दौरे पर आए हैं। यहां वो कुछ दिनों तक प्रवास करेंगे, इसके बाद फिर से वापस चले जाएंगे। जनप्रतिनिधियों को कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने नहीं निकलने की सलाह दी थी। यह अच्छी बात है कि सरकार की बातों को तेजस्वी ने इतनी गंभीरता से लिया कि पूरे 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। बिहार बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने जताई चिंता। बिहार में बारिश के कारण कई गांव में पानी घुस आया है, वहीं बाढ़ के हालात समय के साथ और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बाढ़ को लेकर कांग्रेस दल के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। कोरोना के समय में ये आपदा एक बड़ी त्रासदी निकलकर सामने आई है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं, हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे, यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। दिल्ली सल्तनत के 1206 को पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी आज के दिन हुई थी। भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने 1961 में उड़ान आज के दिन भरी थी। भारत बोफोर्स बंदूक सौदे पर क्या क्यों रिपोर्ट के मुद्दे पर बहुमत वाले विपक्षी सदस्यों ने 1989 में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवारे का जन्म 1863 में हुआ। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध रांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन 1564 में आज के दिन हुआ था।
अब व्हाट्सएप पर आपका पर्सनल चैट छुपाना हुआ आसान। अगर आप भी अब अपने पर्सनल चैट को छुपाना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर को ऐसा फीचर दिया है जिसकी मदद से अब यूजर अपने सभी मैसेज को बिना डिलीट किए गायब कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने इस फीचर को डिसअपियरिंग मैसेज फीचर नाम दिया हुआ है। यह नया फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों के लिए अवेलेबल है। आप अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,110 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,110 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.56 रुपए प्रति लीटर था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कमला अग्रवाल, सिंटू कुमार, आदर्श अनुज, सुमित कुमार, नंदन कुमार, प्रणय कुमार, रंजीत कुमार, राजेश कुमार, सवेरा कुमारी, गुनगुन कुमार, उत्तम शर्मा, कुमार राजेश्वर राय, पिंटू कुमार, जितेंद्र ठाकुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की किस अभिनेत्री ने बिहार का सबसे ज्यादा मान बढ़ाया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।